हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सारे ने ठीक होवोगे। तो फिलहाल टाइम हो रहा जिस वे मैनशन करना जरूरी एक कर ही दी 11:30 बज गए। तो हूँ मैं जाना है जी लुधियाने तो दराहे के लागे छागे एक दो पिंड के कोल जाना है। तो अज मैं नाले ट्राई करूँगा जी मोटोवलॉगिंग सैट मैं कर लिया होया। सैटअप बड़ा औखा सैट होया, इन्ना ज़्यादा ईजी नहीं है, बड़ा ज़्यादा औखा सैट होया, माड़ा मोटा हिलता पाया। चल हौली हौली करके देख रहे ट्राई करके कि लगता है। चलो निकलते हैं जी अपना दुराहे वाल नूं। तकरीबन अद्धा पौना घंटे का रस्ता है लुधियाने तो अगे चल के नाले देखते हैं कितना दिन ब्लॉगिंग होंगी है। ट्राई करके देखते हैं। ये रही अपनी चाबी, करिए स्टार्ट हुण। लो जी फिट करता हूँ अपना मोबाइल फोन, ये स्टार्ट करती ब्लॉगिंग। बड़ी धुंध छाई हुई है, अज मौसम ठंडा ठंडा आ। बाद थोड़े दिन होर आ फिर हैवी जैकटा बाहर आ जानी, हैवी जैकटा पानिया पैनिया। हूँ मैं इस टाइम हैगा जी लुधियाने तो दिल्ली स्टेट हाईवे के उत्ते दुराहे वाल नूं जा रहा। हाले इदा लगता ना हैलमेट अगों दी हैवी हो गया या ते नीचे नूं आ रहा हैलमेट, थोड़ा ना सैट जिहा करके रखना पै रहा। जाए हो जी जाए हो, बड़ी तेज़ जा रहे लोकी। हाँ मेरी लैफ्ट साइड ते आ गया जी लुधियाने का हवाई अड्डा। इधरों लैफ्ट साइड तो रस्ता जाता सीधा हवाई अड्डे नूं, जिमी दरा ढाबे के नाल बिल्कुल सानेवाल एयरपोर्ट। आ है जिनी जिमी दरा ढाबा बस की बैक साइड पर ही आ लुधियाना एयरपोर्ट। हाल तो बड़े आराम ना जा रहा हौली हौली ना, क्योंकि मौसम हाले काफ़ी ज़्यादा धुंध पैन करके ना थोड़ा हौली हौली जा रहा। चलो इन्ना का दूर तक दिखता पा काफ़ी दूर तक, पर फिर भी थोड़ा आराम नहीं जाना चाहिए आ। गड्डियां ना पिछों काफ़ी तेज आनी आ। हुण मेरे लैफ्ट साइड ते आ गई जी हाईवे इंडस्ट्रीज। इदा वैसे ठीक है ना, आराम ना, यानी कि ना हैलमेट ते अपना सैटअप लगा लिया आ, दोनों हाथ फ्री है। चलो अपना आराम ना बंदा ड्राइव कर सकता आ। एंगल तो हूँ बाद चैक करूँगा जी, एंगल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हल्ता लगा के बस तुर पे आया। हूँ थोड़ी दूर अगे हैगा या अपने गुरुद्वारा रेड़ू साहब। तो आ गया जी मेरे लैफ्ट साइड पर गुरुद्वारा रेड़ू साहब। ये भी इतिहासिक गुरुद्वारा साहब है जी, इतने दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे। ये पिंड जी अपना सानेवाल पिंड आनंदपुर। हुण आपां अगे चलते हैं। हुण सानेवाल पिंड पार कर लिया जी मैं, तो हूँ सानेवाल पिंड तो अगे जा रहे हैं। बस हूँ थोड़ा ही रह गया है अपना दराहा। पिछे सीगा जी सानेवाल पिंड, हूँ थोड़ा जि अगे जाके सानेवाल तो थोड़ा जि अगे जाके पिंड सानी आ जाता है। फिर सानी सानी तो अगे फिर कनेज आ जाता है, कनेज तो अगे फिर रामपुर वगैरह आ जाते हैं। तो जेडे मैं गुरद्वारा साहब की गल कर रहा है पिछे अपना रेड़ू साहब गुरद्वारा साहब की, उत गुरु गोबिंद दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी आए थे। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े तो उच्चता पीर बन के अपना माछीवाड़े पिंड रामपुर, रामपुर तो फिर अपना अपना कनेज, कनेज तो सानेवाल के पिंठे अपना रेड़ू साहब गुरुद्वारे रुके।
ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਸਪੀਡ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਉਹ ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਇਰ ਬੜੇ ਚੋੜਦੇ ਜੀਪ ਦੇ। ਆ ਜੀਪ ਦੇ ਨਾ ਟਾਇਰ ਕਾਫੀ ਚੋੜੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਨੇਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਰਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਧੁੰਦ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਤੜਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਪਸੀ ਆ ਗਈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਟਾਇਰ ਹੀ ਬੜੇ ਚੋੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਚੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਜਟ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈਲਮਟ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੋਇਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੋਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਪ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲੋ ਸਲੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਾਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਾਹਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਰਾਹੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਟ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਧਰਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦਰਾਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ।
सामने रस्ता इधर ना जिवें दोनों पेड़ों के बीच सुरंग बनाई हुई है। हाँ नहीं मैनू कलाकारी का पता लगे की चीज़ है ना डब्बे जे बना बना रखे हुए ये पराली बन के बनने का तरीका बड़ा वधिया है एन बॉक्स जे बना के ना बाइक ने ना पिछले टायर से ना हवा घट लगती है एन हम चेक कराना अगे जाके इधर कंबाइन खड़ी हुई नाले ट्राली इधर गुरद्वारा साहब आ गया अरदासपुर साहब आ गोभी लगी हुई है पिंड वाला माहौल मैं कहना शहर वालों ना वधिया आ सामने मेन रोड आ गई आ रहा इन चेक कराने माड़ा पिछला टायर चेक करो पेंचर लगता बंदा देखो माड़ा जा के हवा घट आ ठीक है इतने जी टायर तो पेंचर ही निकलिया जी हूँ फिट करते पे कि लग गया होना कुछ बस इतों बाद रोटी रोटी खाइए इधर सामने ढाबा हैगा या अरे लिखा ना जी अपना ओरिजिनल इंजन के नाल परले बने ढाबा ही है उत्थे खा लें कुछ चलो करते पहले हम पेंचर लग चुका है तो जाके पहले अपना लंच करिए टाइम हो गया होना तकरीबन 2:30 का बज गए होने तो इधर फ्री होकर निकलते फिर लुधियाने अज की वीडियो के मैं मेन मोटर ब्लॉगिंग ही पाई हुई है क्योंकि की है बस क्योंकि ना इन्हें टेस्ट कर रहा है अज मैं तो जोड़ा हैलमेट माउंट मैं लिया वधिया एक्सपीरियंस टिक रहा ज़्यादा मोबाइल वगैरह हिलया नहीं है बाकी तुम्हें वीडियो देख ही लिया होना है तो अज की वीडियो करते इतने एंड आई होप तुम वीडियो चंगी लगी होगी अगर वीडियो चंगी लगी होगी वीडियो लाइक करो तो चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलो तो मिलते थोड़ा नैक्सट ब्लॉग के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय।